कैसा लगा आज ये सर्टिफिकेट मिला है? और बहुत अच्छा और ऑनर फील हुआ है सर्टिफिकेट को, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छा बात है मैम। ये YouTube चैनल है। कैसा लगा आज के आयोजन पे? क्या कहना चाहेंगे इस? हाँ, ये तालीम तरबियत फाउंडेशन ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम किया। इसमें जो मुस्लिम बच्चे हैं उनका टैलेंट जो था, तो हमेशा आता है कि भाई कोई 95% लाया लेकिन किसी को पता नहीं चलता था, तो उनको एक उन्होंने स्टेज प्रोवाइड करवाया जिसके अंदर बच्चों का हौसला अफजाई हुआ। उससे बच्चों का हौसला बढ़ के वो ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके पेरेंट्स को भी हौसला बढ़ेगा बड़ा है कि भाई हमारे बच्चों ने जो मेहनत की है, हमने जो मेहनत की तो उसको इस तरह से पब्लिक में ये सामने लाए हैं। तो सभी उम्मीदवारों के हकदार हैं तालीम तरबियत फाउंडेशन वाले लोग, और ख़ासतौर आसिफ भाई हैं, जाहिद भाई सभी ने अच्छा काम किया। तालीम में भी मदद की जा रही है, किस प्रकार की मदद की जा रही है? तालीम में मदद क्या ये बताया, हमारा जो जयपुर तालीम तरबियत का फाउंडेशन है तो वक्त वक्त पर स्कॉलरशिप भी देता है जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, है ना। टैलेंट होने के बाद उनको हर साल मतलब रमा मेहता ट्रस्ट के माध्यम से जयपुर तालीम तरबियत फाउंडेशन सहयोग करके हर साल बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान देते हैं। अब पिछले साल अभी हमने क्या किया कि 165 बच्चों को स्कॉलरशिप मिला, लगभग 5 से 6 लाख रुपए स्कॉलरशिप के बच्चों को सिर्फ तालीम पे खर्च किए। तो ये हमारा एक काम है, फोकस है कि तालीम और तरबियत, बच्चे की परवरिश अच्छी हो और बच्चा तालीम से तरक्की करे। और मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ, तालीम ही वाहिद तरक्की का एक जरिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा रहा? नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज के इस प्रोग्राम का बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैनेजमेंट का। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग लड़कियों को भी पढ़ाते हैं, लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी पढ़ाना चाहिए। लड़कियाँ मेरे पास कई पेरेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आप हमें कोई लड़कियों को पढ़ाना है कि हमें दामाद अच्छा मिलेगा। मैं उनसे सवाल करता हूँ, जब आप दामाद की फिक्र करते हैं तो आप बहू भी अच्छी लेना चाहते हैं तो आप लड़कों को पढ़ेंगे? मैंने दुबर मेरे यहाँ करीबन अभी 140 लड़कियाँ हैं जो काम सीख रही है, सिलाई मेहंदी ब्यूटी पार्लर कोचिंग उर्दू अरबी, तादाद लड़कियों की ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि लड़कियों के साथ साथ लड़कों भी पढ़ाया जाए, जो जिस तरह का यह माहौल चल रहा है तो उनको एजुकेशन तालीम लेना बहुत ज़रूरी है। तालीम लेना धर्म से अधिकार है, जैसे स्वास्थ्य है हेल्थ है लेना धर्म से अधिकार है, इसी तरह तालीम लेना भी जरूर है, बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी बहुत काम कर रही है तालीम के अंदर, कंप्रेंसिव हेल्थ सर्विसेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं 26/11/2023 को स्वामी सम्मेलन करने जा रहा हूं और एक नया आगाज के साथ ये सम्मेलन होगा। और दूसरी बात ये है कि अभी हम एडमिशन होगा चालू है, कोई भी लड़की या कोई भी किसी एज की औरत सिलाई मेहंदी ब्यूटी पार्लर कुकिंग और कोचिंग वगैरह पढ़ना चाहती है तो आ सकती है। मैं इस चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया।